हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये सिग्नल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है। ठीक है, देखो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम इसको आसान तरीके से करने वाले हैं। जैसे हमने देखो लाप्लास पढ़ा था, लाप्लास को कैसे लिखते थे हम, किसी का लाप्लास निकालना तो कैसे लिखते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, इस टाइप से लिखते थे। ठीक है, जैसे लाप्लास में पढ़ा था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एल टी लिखते थे, यहाँ पे भी हम सिग्नल के लिए क्या यूज करने वाले वर्ड, एफ टी या केवल एफ। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। मान लो कोई सिग्नल है एक्स टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, उसे लिखने का तरीका होता है एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, ओमेगा के इसमें कॉम्प्लेक्स होता है ये। ठीक है, या एक्स ऑफ, बहुत सारी बुक में ऐसे ही मिलेगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, या अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर रहे हो, ये तो ओमेगा टर्म में, एक्स ऑफ एफ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बुकों में ज्यादा क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो इसको आप देखो क्या करेंगे, इसका पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। जैसे वहां पर लाप्लास का होता था, इस तरह से यहाँ पर फोरियर का होता है। बिल्कुल देखोगे ध्यान से तो बहुत ज्यादा इक्वल फॉर्मूला। तो एक्स ऑफ ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है, यानी उसका ट्रांसफॉर्म जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बिल्कुल लाप्लास की तरह माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू एक्स ऑफ टी ई की पावर, वहां पे होता था एस टी लाप्लास में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जे ओमेगा टी डी टी। ये क्या है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसी से क्या करेंगे हम, ज्यादातर सिग्नल्स के क्या करने वाले हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं। ठीक है, कुछ में ये अप्लाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, जुगाड़ लगा के उनका प्रॉपर्टीज की हेल्प से उन सिग्नल्स का निकाल लेंगे। अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी किन का होता है ये भी पता होना चाहिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कोई अगर सिग्नल शो कर रहा है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिरिचलेट कंडीशन। अब वो डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है, मैं उनको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने डिरिचलेट कंडीशन लिख दी है, कोई भी सिग्नल को क्या होना चाहिए, ये कंडीशन हमें शो करनी होगी। ठीक है, ये क्या सफिशियंट कंडीशन है, कोई जरूरत ही नहीं है कि ये वाली कंडीशन होनी ही चाहिए, उसके बाद ही होगा फोरियर, ये सफिशियंट है मगर। ठीक है, जरूरत नहीं है कि अगर कोई इनको नहीं फॉलो कर रहा उसके बाद ही क्या आ जाएगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिट कर जाएगा। देखो पहला क्या कंडीशन है, एक्स टी क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए किसी भी टाइम इंटरवल में, कोई फाइनाइट इंटरवल हमने लिया। ठीक है, ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए होता है, डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, सॉरी एपीरियोडिक सिग्नल के लिए। तो एपीरियोडिक है तो उसमें कोई फाइनाइट इंटरवल लेंगे हम, उसमें क्या होना चाहिए, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और उसी ऐसे किसी भी फाइनाइट इंटरवल में क्या होना चाहिए, फाइनाइट इंटरवल में क्या होना चाहिए, वो उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, ऐसे ही किसी भी फाइनाइट इंटरवल में क्या होना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमा जो हम पढ़ते थे क्लास 12th में, तो वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, वो सिग्नल हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब उस सिग्नल को क्या कर देना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या कर देना, इंटीग्रेट कर दो। अगर उसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, यानी इन्फिनिटी से छोटा आता है, इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी छोटा, कोई फाइनाइट नंबर आता है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, ये सफिशियंट कंडीशन है, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगली जो फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूले के हम बारे में बात करते हैं। अगला फॉर्मूला क्या, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के जैसे होगा तो कैसा होगा, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स कैसे निकालेंगे, जो अगर किसी का हमें फोरियर पता, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम x ऑफ t निकालेंगे। ठीक है, इनवर्स करने के बाद वही आएगा, तो क्या करेंगे, अगेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे अब तो कर रहे हैं हम x ऑफ ओमेगा का, ठीक है, इंटीग्रेशन, और e की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, j ओमेगा t, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओमेगा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में है तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह 2πf लिख दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे और क्या होता है, 1/2π।
क्या होता है 1/2 पाई, इसको मत भूल जाना। और मुझे फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है ये चीज, तो मैं कैसे लिखूंगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हट जाएगा यहाँ से 1/2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा एक्स ऑफ, यहाँ पे आप ओमेगा, ओमेगा जो है क्या आ जाएगा एफ, ठीक है। अब एफ के टर्म में बात कर रहे हैं, और ई की पावर ये ओमेगा जो है कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ टी डी, अब यहाँ पे ओमेगा जो डी ओमेगा जो है क्या हो जाएगा डी एफ, ठीक है। ये चेंज हो जाता है फॉर्मूले में अगर, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा दोनों, ये ओमेगा और एफ दोनों ही परिणाम है जरूरी है, ठीक है। कहीं कहीं पर इसकी जरूरत पड़ जाती है, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। इसी तरह से आप क्या कर लो, ऊपर वाले फॉर्मूले के लिए लिख लो जो पहले वाला पढ़ा था, यहाँ पे मैंने ओमेगा के लिए बताया, ऐसे ही अगर मुझे एफ के लिए पढ़ना तो क्या हो जाएगा, और एक्स ऑफ एफ कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर ओमेगा की जगह बस क्या रख देंगे 2 पाई एफ टी टी टी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला कम यूज होता है, पहला वाला ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहले वाले पे ज्यादातर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेकंड वाला तुम देखोगे बुक में कम लिखा रहता है। फिलहाल इस वीडियो में ये बेसिक था, ठीक है, इतना ही काम आएगा। इसी से देखो हम आगे बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।